हेलो गाइस, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके फेसबुक अकाउंट में प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगा। तो मेरे एक अकाउंट है उस पर जो है एक प्रॉब्लम आ रहा है, सेम प्रॉब्लम। प्लीज कन्फर्म योर आइडेंटिटी, इसका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट को जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन करके दिखाई देती हूँ। लॉगिन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉगिन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो प्रॉब्लम है आ जाती है। मैं आपके सामने दिखाई देती हूँ वो जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो जब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म योर आइडेंटिटी। उसके बाद आपको कुछ लिखा हुआ है रिसेंट एक्टिविटी मे हैव अफेक्टेड योर अकाउंट सिक्योरिटी। तो आपने अपने कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से जो है फेसबुक की तरफ से आपका अकाउंट को जो है लॉक कर दिया है फेसबुक टीम ने। तो उसके नीचे आपको दो लिखा हुआ है चूज से सिक्योरिटी चेक, डू सिक्योरिटी चेक। उसके नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा हुआ है आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा चूज ए सिक्योरिटी चेक, हाउ डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी। उसके बाद आपको सबसे ऊपर पहला ऑप्शन दिखेगा अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर, और उसके नीचे दिखेगा गेट ए कोड सेंड टू योर फोन, उसके नीचे आपको कंटिन्यू लिखा हुआ होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अप्रूव योर कंप्यूटर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर इस पर आपको जो है चूज कर लेनी है। पहला जो ऑप्शन है उसे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट जो आपने लॉगिन किया था अपने अकाउंट को वो दिखाएगा, टाइम और अपना जो भी डिवाइस था वो दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो लॉगिन है वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अपने कंप्यूटर पे वो जो अप्रूव का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लॉगिन वॉज नॉट अप्रूव। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या होगा, सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे facebook.com सर्च कर लेनी है। facebook.com सर्च करने के बाद फिर से लॉगिन अनदर अकाउंट पर क्लिक करते हो, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था उसका जो ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर दे देनी है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड था उस अकाउंट का उसको आपको दे देनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करनी है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सेम जो प्रॉब्लम दिखा रहा था यहाँ पे भी दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम दिखा रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर आइडेंटिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा होगा, आपको पहले दो दिख रहा था, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी आ गया है आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प। तो आपको यहाँ पे करने क्या होगा, ये जो दो ऑप्शन दिख रही होगी गेट ए कोड सेंड टू योर फोन, अगर आपके पास फ़ोन नंबर पे अगर कोड आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसे आप अनटिक कर सकते हैं। आपको करने क्या होगा, आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। उसका तीसरा ऑप्शन आप अपने फ्रेंड से जो है हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपका दूसरा अकाउंट और तीसरा अकाउंट काम नहीं करता तो आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको पहला ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देनी है। तो उस पर टिक कर देनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से सेम दिखाएगा अपना लास्ट अकाउंट किससे लॉगिन किया था। तो आपको करने क्या होगा, गूगल क्रोम फिर से ओपन कर लेनी है। नया टैब ओपन करने के बाद आपको एक VPN डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है टच VPN। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेनी है टच VPN को, क्योंकि ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वो जो है मोड APK है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपका जो सारा फीचर्स है आपको नहीं मिलेंगे, सारा कंट्री जो है अनलॉक नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। बेस्ट चॉइस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कंट्री से जो है कनेक्ट कर लेनी है, एक कंट्री मतलब इंडोनेशिया या जापान से कनेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होगी हांगकांग इंडिया इंडोनेशिया, आपको यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया आप चूज कर सकते हैं या आप जापान चूज कर सकते हैं। अगर आप इंडोनेशिया जो है काम नहीं करता है तो आप उसके बाद आप जापान को जो है चूज कीजिए। आपको यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे तो आपको इटाली के नीचे आपको यहाँ पे जापान मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जापान या इंडोनेशिया दोनों में से एक को चूज करनी है। तो मैं यहाँ पे इंडोनेशिया को चूज कर लेती हूँ। इंडोनेशिया चूज करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर आपको जो है क्लिक कर देनी है। तो कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग होने में कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ऊपर आप ये देख सकते हैं ऊपर एक की का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे नीचे स्टॉप का ऑप्शन आ चुका है, मतलब ये जो VPN है कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको करने क्या होगा, आपको रिसेंट टैब्स में आना है। उसके बाद आपको जो फेसबुक से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको जो है क्लोज कर देनी है फेसबुक टैब को।
उसके बाद फिर से आपको लॉग इन अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। लॉग इन अनदर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फिर से वही ईमेल आईडी से आपको फोन नंबर जो जिससे आप लॉग इन करते हैं वो दे देनी है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो देने के बाद मैं यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक करता हूँ। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद दिखाई तो क्या आता है, तो आप ध्यान रखिए आपका जो VPN है वो कनेक्ट होना चाहिए। आप ऊपर जो की का बटन है वो की का जो लोग है वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वही प्लीज़ कॉन्फर्म योर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आ गया है। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है तो आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ कॉन्फर्म योर आइडेंटिटी। यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिख रही होगी अप्रूव योर लॉग इन ऑन अनदर कंप्यूटर। आपको इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही कौन सा डिवाइस पे आप लॉगिन किए थे, लास्ट कितने टाइम कितने समय में आपने लॉगिन किया था, कौन से डिवाइस में लॉगिन किया था वही दिखाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करने के पहले हम मैं बता दूँ, आपने गूगल क्रोम से जो लॉगिन का अप्रोव लॉगिन का जो पेज था उसके जो है रिमूव नहीं करना है। वो जो टैप है उसे रिमूव नहीं करना है, उसे बैकग्राउंड में चलने देना है। सिर्फ फेसबुक ऐप को जो है रिमूव करने का फिर से जो लॉगिन के पेज पर आना है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। कंटिन्यू जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं उसको पहले बता दूँ, अगर आपका इंडोनेशिया के VPN से नहीं होता तो आप जापान के VPN से ट्राई कीजिएगा। तो मेरा तो मैं पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो आपको आपके सामने दिखाऊंगा क्या आता है। तो अगर आपको इंडोनेशिया पे सर्वर इंडोनेशिया के कंट्री के VPN से नहीं होता है तो आपको जापान से जो है कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक किया हुआ लोड हो रहा है। तो लोड होने आगे क्या दिखाते हैं मैं दिखा देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो खुल चुका है, आपके सामने ही दिखाया गया। इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो आपके सामने ही दिखाया अपना मेरा जो अकाउंट है वो अनलॉक हो चुकी है, अनलॉक नहीं वो जो प्रॉब्लम है हट चुकी है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। सो गाइस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।